यहूदिया में रहने वाले इसराइलियों ने सुना कि असूरियों के राजा नबूकदनेज़र के प्रधान सेनापति होलोफेरनेस ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया था, अर्थात उसने किस प्रकार उनके सब देवालयों को लुटवा कर नष्ट कर दिया था। यह सुनकर वे उससे भयभीत हुए और यरूशलेम और प्रभु ईश्वर के मंदिर के कारण घबरा गए, क्योंकि थोड़े समय पहले ही वे निर्वासन से लौटे थे। यूदा की जनता एकत्र हो गई थी और पात्रों, वेदी और ईश्वर के मंदिर का दूषण दूर कर इन सब की शुद्धि की गई थी। इसलिए उन्होंने समस्त समारिया प्रांत, कोना, बेथेरोन, बेलमेल, यरीखो, खोबा, एसोरा और सालेम के मैदान के निवासियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने ऊंचे पर्वतों के सब शिखर अपने अधिकार में कर लिए। उन पर अवस्थित सब गांवों के चारों ओर दीवारें बनवाई और क्योंकि हाल में फसल कटी थी, उन्होंने युद्ध के लिए रसद एकत्र किया। यरूशलेम के तत्कालीन प्रधान याजक योआकीम ने बेतुलिया और इज़रालोन के सामने दोतान के निकटवर्ती मैदान में अवस्थित बेतोमेस्ताइम के निवासियों को लिखा कि वे पहाड़ों की सब घाटियां अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि उनसे होकर यहूदिया जाया जा सकता था। वहां किसी को आगे बढ़ने से रोकना आसान था, क्योंकि प्रवेश मार्ग इतना संकरा था कि केवल दो आदमी एक साथ जा सकते थे। इस पर इसराइलियों ने प्रधान याजक योआकीम और यरूशलेम में रहने वाले समस्त इसराइल की समिति के नेताओं के आदेश का पालन किया। सभी इसराइलियों ने आग्रह पूर्वक ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर के सामने दीन बनकर कठोर उपवास किया। वे उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे, उनके पशु, उनके सब प्रवासी, मजदूर और दास सब ने टाट ओढ़ लिया। यरूशलेम के प्रत्येक इजरायली पुरुष, स्त्री और बच्चे सब ने मंदिर के सामने दंडवत किया। उन्होंने अपने अपने सर पर राख डाली और अपने टाट के वस्त्र प्रभु के सामने फैला दिए। उन्होंने वेदी को भी टाट से ढक दिया। वे एक स्वर से आग्रह पूर्वक इज़राइल के ईश्वर की दुहाई देते रहे, जिससे वो ये ना होने दें कि उनके बच्चों का अपहरण हो, उनकी पत्नियों को बंदी बनाया जाए, उनके दाएं भाग के नगरों का विनाश हो और विजयी राष्ट्रों द्वारा उनके मंदिर का अपवित्रीकरण और अपमान किया जाए। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और उनकी विपत्ति पर ध्यान दिया। समस्त यहूदिया में और यरूशलेम के सर्वशक्तिमान ईश्वर के मंदिर के सामने लोग कई दिनों तक उपवास करते रहे। प्रधान याजक योआकीम, प्रभु के सामने उपस्थित सब याजक और प्रभु के मंदिर के सब सेवक कमर में टाट बांधे दैनिक होम बलि, मन्नत की बलियां और लोगों द्वारा दिए हुए स्वेच्छा से अर्पित बलिदान चढ़ाते रहे। वे अपनी पगड़ियों पर राख डालकर जोर जोर से प्रभु की दुहाई दे रहे थे, जिससे वो इज़राइल के समस्त घराने पर कृपा दृष्टि करे।